इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज. जब सुपर पावर अमेरिका बना, आप सुपर पावर कब कहलाते हो? मसल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो, फाइनेंस पावर बहुत स्ट्रांग हो, और तीसरा जो होता है आपका कल्चर बहुत स्ट्रांग. ये तीन चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके, और ये वर्ल्ड फेमस होनी चाहिए. अब सुपर पावर बनने के लिए एक चीज बहुत होती है, जब आपकी लैंग्वेज, अगर सोचो रशिया सुपर पावर होता ना, तो आज हम सब रशियंस में गाना गा रहे होते, रशियन सुन रहे होते. और इस पीरियड को लगा है 60-70 साल लगे हैं, वहां पर कैसे काम करेगा उस टाइम पर, म्यूजिक को कैसे रखा गया, म्यूजिक को और हॉलीवुड को, दोनों चीजों को अलग रखा गया. अब बाय द टाइम 60-70 साल के अंदर कंट्री ने भी ग्रो करा. अब ऐसे में गाने किस तरीके से आए, और फिर उनकी मार्केट कैसे ड्रिवन हुई कि वो वर्ल्ड वाइड हो गए, उन्होंने अपना कल्चर म्यूजिक के थ्रू. हाँ एग्जैक्टली. और यहाँ आर्टिस्ट सबसे बड़ा पार्ट प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर. हम कोई भी कल्चर को ला सकते हैं. इस टाइम पे जो हम कल्चर चल रहा है ना, ये जो हाइप कल्चर चल रहा है, दिस इज ऑल अबाउट हिप हॉप, जिसमें हम अपनी बात ही नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि बाहर के लोग कैसे पहनते, कैसे रहते.